हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और जनरल एप्टीट्यूड के इस कोर्स के अंदर हम इसका सबसे पहला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। सो कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम वर्बल एबिलिटी में देखेंगे ग्रामर रूल्स। और यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, टोटल 100 ग्रामर रूल्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। साथ ही आपको इनके लिए सिंगल रिविजन पेजेस भी प्रोवाइड करूँगी, जिसके ज़रिए आप इन ग्रामर रूल्स को आराम से अपने मेमोरी में होल्ड कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे जाएँ आप उनको फ्रिक्वेंटली सॉल्व कर सकते हैं। सो डे वन को इसीलिए मैंने स्टार्ट किया वर्बल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट सेक्शन से, दैट इज 100 ग्रामर रूल्स। और ये 100 गोल्डन ग्रामर रूल्स का पार्ट वन रहेगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं आपके साथ रूल डिस्कस करूंगी विद एग्जांपल्स, ताकि आपको रूल्स, कई बार ऐसा होता है, आपने भी फेस किया होगा ये प्रॉब्लम, कि जब हमारे सामने ग्रामर के रूल्स होते हैं तो हम बहुत ज्यादा पैनिक होने लगते हैं, क्योंकि वो रूल्स कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में नहीं हो पाता है, स्टोर नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं समझ में आती हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप ग्रामर रूल्स को एग्जाम्पल के साथ जरूर पढ़ें। अगर आप एक बारी एग्जाम्पल के साथ उन रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली एग्जाम्पल को देखकर उन रूल को अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हो फ्रिक्वेंटली और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रूल वन के साथ। और अभी मैं जो फर्स्ट 10 रूल्स हैं वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। अब ये हमने पढ़ा, जनरली हम क्या करते हैं, ये जो रूल लिखा है हम उसको अपने माइंड में रटने की कोशिश करते हैं। अब देखो, चीजें रट कर तो समझ में आएंगी नहीं, है ना, उसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग ज्यादा किन तरीके की चीजों को समझता है, एग्जांपल्स को या स्टेटमेंट्स को। तो दोनों को ही लेकर चलिए। यहाँ पे सिंपल सी बात कही जा रही है कि कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, माइंड में सोचिए सब्जेक्ट होता क्या। मैं पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक स्टेटमेंट डिस्कस करना चाहूंगी, एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंटेक्स डिस्कस करना चाहूंगी। सब्जेक्ट मतलब क्या, या तो वो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, है ना। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। प्लस अगर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, है ना। और उसके बाद अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आगे बढ़ता चलेगा। अगर जो आपका सब्जेक्ट मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा, तो उसके साथ जो आपका वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। ये बेसिक सा फंडा तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो ये बातें याद रखिए, इस पे भी बहुत सवाल बनते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, तो आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी कि यस मैम सही कह रही थी, ऐसा भी होता है। और इन जनरल आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो, वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो या दो से ज्यादा कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको अगर एंड से कनेक्ट किया गया तो उसके आगे प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन जहां पर हम दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो मोर देन टू हो गया। मोर देन टू का मतलब ही हो गया प्लूरल। एग्जाम्पल से देखिए, टीना एंड रीना दोनों गर्ल्स हैं, टीना एंड रीना दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। और ये सब्जेक्ट कैसा है, नाउन है, है ना। और इसके आगे जो लगने वाला वर्ब है वो कैसा है, ये वर्ब आपका प्लूरल है, क्योंकि एक टीना हो गई, दूसरी रीना हो गई। अब जब 1+1=2, जब भी कोई चीज मोर देन वन हो जाए तो वो क्या कहलाती है, प्लूरल कहलाती है। और प्लूरल चीजें क्या होती है, उसके लिए वर्ब प्लूरल लगेगा, आर लगेगा। एग्जैक्टली सेम अगर मैं कहूं मोनू एंड सोनू, ठीक है, मैं एंड यहां पे लगा रही हूं, ठीक है, सोनू आर बैड बॉयज, ठीक है, दोनों को दोनों बैड बॉयज है तो हम यहां पे आर लगाएंगे, दो हो गए ना। तो ये फंडा यहां पर आपको समझना है। नेक्स्ट है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ओके, दो है लेकिन सिंगुलर है, और दोनों ही नाउन सेम पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है या फिर सेम थिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके आगे कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर लगेगा। वो कैसे, एग्जांपल देखो, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर इज द चीफ गेस्ट ऑफ द न्यू ईयर फंक्शन। नाउ यू कैन सी, ये आपका एक
मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये और ये दोनों के दोनों सब नाउन है, ठीक है, प्रोड्यूसर भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है ना, बट दोनों कैसे सिंगुलर है, ये नाउन वन हो गया, ये नाउन टू हो गया। मतलब जो चीफ गेस्ट है न्यू ईयर फंक्शन के वो कौन है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मतलब 1+1 इज इक्वल टू 2, और ये तो प्लूरल होना चाहिए था, है ना, बट यहाँ पर क्या लग रहा है, इज लग रहा है। कई बार हम इसको फॉल्स करके आ जाते हैं, फॉल्स क्यों नहीं होगा, कभी कभी कहते हैं ना कि मोनू, अब देखो किसी का ना मोनू तो बुरा मत माना, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, लेट अस अज्यूम एबीसी, कोई एबीसी एक पर्सन है, उसके बारे में मैं बात करूं कि एबीसी शेफ भी है एंड टीचर भी है, ठीक है, और दोनों कौन है, एक सेम ही पर्सन है। तो जब देखो कैसे पहचानोगे, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, द सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के आगे लग रहा है, डायरेक्टर के आगे नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है। यही जो चीफ गेस्ट है वो एक ही पर्सन है, चीफ गेस्ट वही है जो प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर भी है, ठीक है, और एक पर्सन है और इसकी दो खूबियां हैं, लेकिन है तो वो एक ही, इसलिए हम यहां पर इज लगाएंगे। मतलब एक ही पर्सन के लिए अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं, दो दो नाउन यूज कर रहे हैं, तो भी हम उसके आगे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। अगर मैं कहूं एबीसी शैतान भी है और बदमाश भी है तो वो एबीसी एक ही पर्सन ना, तो उसके लिए हम इज लगाएंगे। और कैसे पहचानोगे कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, द प्रोड्यूसर का अगर यहां पे लिखा होता द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, तब ये दो हो जाते और यहां पर लग जाता आर। तो इस तरीके से आपको डिपिक्ट करना है एरर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल 3 पे आते हैं, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। अब कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके आगे ईच लग रहा है, जैसे गर्ल, आप देख सकते हैं गर्ल कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और उसके आगे एवरी लगा या फिर मान लो ईच लगा, तो उसके आगे वर्ब बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, उसके आगे जो वर्ब है वो सिंगुलर लगे कि प्लूरल, है ना, क्वेश्चन आता है। एवरी, एवरी और ईच की बात करें तो एवरी का मतलब हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखते हैं, एवरी मतलब सभी, ईच, ईच मतलब हर एक, तो एवरी हो या ईच हो ये कलेक्ट तो करते हैं सभी को, लेकिन इंडिविजुअली दर्शाते हुए, ठीक है, इंडिविजुअली दर्शाते हुए कि भाई हाँ इन सभी का वोट इसको जा रहा है, मतलब इंडिविजुअली सभी ने वोट उसी को किया है। तो जब भी एवरी और ईच लगे, ठीक है, एवरी और ईच लगे तो उसके आगे लगने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, ये याद रखना है। एवरी गर्ल एंड बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास के अंदर हर एक लड़की और हर एक लड़का प्रेजेंट थी और था, ठीक है, मतलब हर एक को काउंट करके बताया जा रहा है, बट एज अ कलेक्शन वहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो एवरी हो या ईच, उसके आगे हमेशा लगने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, क्लियर है। देन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और Nor, either or, neither nor, take a verb in the singular. अब ये एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है, तभी मैंने ऐसे ही इसको गोल्डन रूल नहीं कहा है, ये गोल्डन है, इस पे सवाल रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तभी यहां पर मैं इन सभी रूल को लेकर आई। तो अब यार ध्यान से समझो कि दो या दो से ज्यादा कौन सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर और नॉर या फिर इधर और नीदर नॉर के पेयर के साथ चल रहे हैं, इन दैट केस अगेन वी विल यूज द सिंगुलर वर्ब। देखो क्वेश्चन में तो ये आपने स्टेटमेंट से समझा, अब यहां पर आप एग्जाम्पल से समझो, नीदर ही नॉर आई, अब हिंदी में इसका मतलब समझने की कोशिश करो, ना तो ये और ना ही मैं, मतलब ये एक पर्सन हो गए, एक पर्सन आप हो गए, आप दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं प्रेजेंट इन द पार्टी लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट में जो पार्टी थी उसमें ना तो वो और ना तो मैं प्रेजेंट नहीं थे, मतलब एक अकेले उसकी भी बात हो रही है और एक अकेले उसकी भी बात हो रही है, व्हेन दे आर अकेले अकेले, सो कैसे हो गए वो सिंगुलर हो गए, और जब वो सिंगुलर हो गए इन दैट केस हम वर्स का यूज करेंगे। सो व्हेन एवर नीदर नॉर यूज करें विद सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ही और आई कैसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं,
So in that case, we will use the singular verb again. Is it clear to everyone? Next, अब इसी से दूसरा रूल भी बन जाता है. कहने को 100, इसके अंदर आपको मोर देन 100 रूल्स मिल रहे हैं. अब इधर और का केस हो तो इधर ही और आई वॉज देयर, अगेन उसकी अलग से बात हो रही है, या तो मैं या तो वो, वहां पर हम दोनों में से कोई एक था, कोई एक था. एंड अगेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही और आई बोथ आर सिंगुलर. सो इन दैट केस वी विल यूज द वर्ब अगेन सिंगुलर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉट आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, जब सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करें एक दूसरे से, ठीक है, जोड़ रहे हैं, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, ठीक है, कि एक हेड है और एक असिस्टेंट है, ये दोनों के दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स है, है ना. हेड अलग है, असिस्टेंट अलग है, और उनका काउंट डिफरेंट है. आप ये देख सकते हो ये कैसा है हेड, ये सिंगुलर है, बट इन दिस केस असिस्टेंट्स, दैट मीन्स कि ये प्लूरल है, तो इनका काउंट भी डिफरेंट है. सो दैट केस द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. सो यहां पर क्योंकि अब क्या हो गया है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, सो इन दैट केस हम वर्ब जो है वो प्लूरल यूज करेंगे, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब. ये पॉइंट भी याद रखिएगा. और जो करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर नॉर या फिर इधर और का बनाने का, वो कैसा होगा कि जब भी आप कोई वर्ब प्लेस कर रहे हैं, उससे पहले जो प्लूरल वाला पार्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसको आप बिल्कुल बगल में रखोगे. मतलब सीक्वेंस याद कर लो ना, सिंगुलर मतलब वन, वन छोटा है, और टू मतलब प्लूरल, वो बड़ा है, तो बड़ा वाला बाद में रखेंगे और उसके जस्ट बगल में हम वर्ब को प्लेस कर देंगे, एज यू कैन क्लियरली सी इन द एग्जाम्पल. ओके, देखो, नीदर द हेड नॉर द असिस्टेंट्स वर प्रेजेंट. अब देखो क्या है, नीदर द हेड, ना तो हेड था और ना ही उसके असिस्टेंट्स थे, जो भी हेड के बहुत सारे असिस्टेंट्स थे. तो अब देखो इसके बगल में, क्योंकि ये अभी क्या बन गया, इसका बिल्कुल करंट वाला सब्जेक्ट बन गया, तो इसके बगल में जो वर्ब है वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि असिस्टेंट्स भी प्लूरल है. तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉट आर ऑफ डिफरेंट पर्संस, द वर्ब अग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट. अभी वही बात को यहां पर फिर से अप्लाई किया गया है कि जब हम इधर और या नॉर का भी यूज कर रहे हैं, है ना, वहां पर तो मैंने आपको बताया कि भाई हमको रखना क्या है, जो भी हम वहां पर वर्ब प्लेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपका प्लूरल वाला सब्जेक्ट है वो उसके नियर होना चाहिए. बट यहाँ पर उस बात को और क्लियर कर देता है यहाँ पर इधर और का एग्जाम्पल. मतलब आप कह सकते हो दोनों रूल काफी एक दूसरे से नियर है, ठीक है, दोनों बातें जो है वो सेम ही प्रूव करना चाहते हैं. कैन सी इधर ही और आई, ओके, ही और आई दोनों में से कोई भी, बट ही के लिए आर, ही के लिए इज यूज करते हैं, ए आई के लिए एम यूज करते हैं, तो यहाँ पे जनरली हम इज का यूज कर देते हैं. ईदर ही और आई इज मिस्टेकन, बट जो उसके नियर पे होगा, बात समझिए, जो उसके नियर पे होगा उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर वर्ब लगेगा. अगर आई का यूज किया गया है तो आई के रेस्पेक्ट में एम का यूज करते हैं, ही और शी का यूज किया गया है तो उसके लिए हम इज का यूज करते हैं प्रेजेंट में, तो यहां पर एम होगा. जनरली लोग इसको एम हटाकर इज कर देते हैं, वो रॉन्ग माना जाएगा. अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. कलेक्टिव नाउन मतलब एक ही वर्ड बोला और उसमें काफी सारे लोग आ गए. लाइक मिलिट्री, मिलिट्री में कोई एक पर्सन होता है? नहीं, जितने भी लोग मिलिट्री के अंदर पार्टिसिपेटेड हैं उन सभी को कलेक्ट करके एक वर्ड वहां पर बोला जाता है मिलिट्री, है ना. तो एक कलेक्टिव नाउन है, तो है तो वो एक ही वर्ड, वो एक कलेक्शन लेके चल रहा है, वो लेता हमेशा कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब. हम सोचते हैं नहीं मिलिट्री है तो उसके साथ हम प्लूरल लगाएंगे, मिलिट्री मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मिलिट्री जो पर्सन होते हैं, बट नहीं, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है. व्हेन, अब उस पर कंडीशन भी, व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल, सोच पे भी डिपेंड करता है. अगर मैं सभी की बात करूं मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री बोलकर मैं सभी के बारे में बात करूं, सभी को, जब मेरे थॉट है कि मैं उन सभी को कॉल कर रही हूं, उन सभी को एड्रेस करके बोल रही हूं, देन इन दिस केस वी विल टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है. एंड प्लूरल वर्ब कब लेंगे? अब ऐसा नहीं कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिर्फ सिंगुलर वर्ब चलता है, प्लूरल वर्ब भी चलता है. व्हेन इट इज कॉल्ड इट एज अ प्लूरल वर्ब, व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ विच
इट इज कंपोज्ड आर थॉट ऑफ। प्लूरल तब लेंगे जब हम सभी के बारे में सोचकर चल रहे हैं, ठीक है, सभी के बारे में। अब जब हम एज अ कलेक्शन लेकर किसी फैसले पे लेकर आए तब हम वहां पर सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे आप, ये देखो द काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट। अब काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है, काउंसिल भी एक तरीके का टीम हो गया जहां पर कोई एक मीटिंग रखी जाती है, उस मीटिंग में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड देन वोटिंग होती है, उनके राय जो कह सकते हैं ना, विचार विमर्श होता है एंड देन दे कम टू अ कॉन्क्लूजन। सो काउंसिल, काउंसिल के जरिए एक फैसला लिया गया, ठीक है, एक फैसला लिया गया, हम उस काउंसिल के जरिए एक रिजल्ट निकाल रहे हैं। सो इन दिस केस एज अ कलेक्टिवली हमने मेजॉरिटी के साथ एक एक प्रेसिडेंट को चूज किया है, ठीक है, तो वहां पर हैज यूज किया जाएगा, एज अ रिजल्टेंट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली हमने एक फैसला निकाला, तो यहाँ पर हम एक ही फैसला निकला है तो इट शुड यहाँ पर जो वर्ब है वो हैज होना चाहिए, मतलब सिंगुलर होना चाहिए। बट इन एग्जाम्पल टू द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, मिलिट्री वर कॉल्ड आउट मतलब कि मिलिट्री को कॉल्ड आउट किया गया, मिलिट्री मतलब एक पर्सन को नहीं सभी को इंडिविजुअली वहां पर बुलाया गया है। कहते हैं ना मिलिट्री में क्या होता है, सुबह 5 बजे उठना है, तो मिलिट्री मतलब जिसका नाम मिलिट्री नहीं है उसका नहीं, मिलिट्री में जितने भी लोग पार्टिसिपेटेड इंडिविजुअली उसके लिए रूल बना हुआ है कि उनको सुबह 4 बजे 5 बजे उठना है। तो इंडिविजुअली व्हेन दे आर थॉट ऑफ एंड कंपोज्ड अ स्टेटमेंट, सो इन दैट केस वी विल यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन जिनका फॉर्म जो है वो सिंगुलर होता है लेकिन उनकी मीनिंग जब हम निकालते हैं वो प्लूरल में होती है, सो इन दैट केस प्लूरल वर्ब लेंगे, क्योंकि हम मीनिंग को ज्यादा लेके चलेंगे। जो दिखता है, कहते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, तो जो दिखता है उसको इग्नोर कीजिए। दिख रहा है सिंगुलर तो उसको देखिए एज अ सिंगुलर, बट उसकी फंक्शनैलिटी को देखिए, उसकी मीनिंग को देखिए, मीनिंग कैसा है, प्लूरल है। जब मीनिंग वो प्लूरल लेके चल रहा है तो डेफिनेटली प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, थोड़ा हंसी भी आएगी लेकिन हाँ याद भी हो जाएगा। अभी कई बार ऐसा होता है, कभी हमारे घर में कोई गेस्ट आया, बहुत ही दुबला पतला सा होता है कोई, ठीक है, गेस्ट, हाँ, तो हम उसको देख के सोचते हैं नहीं भाई इसकी 2 रोटियों में पेट भर जानी है ना, बट जब खाना परोसा तो पता चला कि 2 रोटी तो केवल उनका 1 पार्ट था, ठीक है, उन्होंने 4 से 5 बार लिया, मतलब 10 रोटियां वो खा रहा है, मतलब देखने में वो सिंगुलर था बट फंक्शनैलिटी कैसी हो रही, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है उसका, प्लूरल, तो उसके आगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना, तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। अब जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ना, एक तरीके का ब्रांच है स्टडी का हर एक स्कूल में, तो मैथमेटिक्स जो है इन दिस केस आप देख सकते हैं देखो हाँ यहाँ पर आपके 2 रूल बनेंगे, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स जो है कलेक्शन है बट ये सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, ठीक है, सो ये एक तरीके का ब्रांच है, व्हेन वी आर टॉकिंग इट एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी तो वहां पर इज लगेगा, ठीक है, बट मैथमेटिक्स का मतलब समटाइम्स कैलकुलेशन भी होता है। अब लाइक मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा होता है जिसका मीनिंग ऐसा निकल के आ रहा होता कि एक अकाउंटेंट है जो कि मैथमेटिक्स कर रहा है, दैट मीन्स कि कैलकुलेशंस कर रहा है, सो इन दैट केस हम यहाँ पर इज नहीं आर का यूज करते, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू और एज वेल एज एसेट्रा, ठीक है, जब हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट को इन सभी फ्रेजेस के जरिए ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब, क्योंकि ये पैरेंथेटिकल होते, पैरेंथेटिकल मतलब कह सकते हैं एक तरीके से हम उनको अज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब कि हाँ ये लिमिटेड है, जो है इसका यही मीनिंग है, ठीक है, पैरेंथेटिकल आप ये कह सकते हैं, तो इसमें कोई भी नंबर ऑफ वर्ब में कोई अफेक्ट नहीं आएगा। लाइकवाइज आप एग्जांपल में देख सकते हैं तो आपको पैरेंथेटिकल भी समझ में आएगा, शेफ विद ऑल हिज मैन वॉज मास्केड, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, द शेफ एक पर्सन हो गया विद ऑल हिज मैन, ठीक है, ओके ये चीफ है, सॉरी,
जो चीफ है और उसके जितने भी मैन है उसके साथ, ठीक है, आर्मी कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं, बट ये कैसा है, ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, और ये जो मैन वाला सब्जेक्ट ऑल हिज मैन, ये कैसा है, सब्जेक्ट टू इज प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। सो विद यहां पे लग गया, तो एक पैरेंथेसिस लगे कि ये विद जो है और ऑल जो है इस पर्टिकुलर मैन के साथ लगेगा, नॉट विद चीफ, ठीक है। ये कैसे, ये सिंगुलर ही रहेगा और ये प्लूरल रहेगा, ऐसा नहीं कि इसका इफेक्ट इस पे, इसका इसका इफेक्ट इस पे, ठीक है। बट क्योंकि यहां पर इन सभी के साथ जब हम यूज करें तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें, वो कैसे, क्योंकि यहां पर मेन जो है वो चीफ है, इसी के साथ स्टार्ट हुआ था, जो पहले आएगा, जैसे एंड में यूज करते हैं ना, ये पहले आया ना, ये सिंगुलर है, सो इसके अकॉर्डिंगली आपका यहां पर वर्ब लगेगा, मतलब जो चीफ है वो सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा ये चीफ हो गया, उसके ऑल मैन हो गए, मतलब ऑल मैन काउंट कर लो 10 होंगे और ये एक हो गया प्लस 11, तो यहां पर ये बन गया प्लूरल, और इसके लिए हम यहां पर वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे विद लगाया है, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है, हीरो ऑफ द सेंटेंस है, वो चीफ है, ठीक है। चीफ आया अपने और बाकी आदमियों के साथ, वो मैस्केर्ड हो गया, ठीक है, तो वॉज विल बी यूज देयर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट, मान लो कि एक सब्जेक्ट है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो सब्जेक्ट है उस वर्ब का वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको एक बात को ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि द वर्ब अग्रीज इन नंबर पर्सन विद द एंटीसिडेंट ऑफ द रिलेटिव, ठीक है। अब वही बात यहां पर हो रही है, अब देख सकते हैं यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, ठीक है, हु यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। सो जब हम यहां पर सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं एज अ सब्जेक्टिव, वो आई हु, तो जनरली हम क्या करते हैं कि यहां पर लाइक मान लो यहां पर ही लिखा है, तब तो कोई गड़बड़ नहीं होती, ही हु इज योर फ्रेंड या हु वॉज योर फ्रेंड, वो तो सही रहता है, पर जब आई लगा है और बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो जो आगे लगा हुआ आपका नाउन है उसके अकॉर्डिंगली और उसके नंबर ऑफ काउंट के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर वर्ब लगेगा, एंटीसिडेंट हम इसी को कह रहे हैं, ठीक है। आई है तो आई ऑलवेज फॉलोड विद एम, सो एम शुड बी देयर, ठीक है, तो हु आई एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट्स, क्लियर है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीट होता है ना, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स पे आते हैं। सो यहाँ पर याद रखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आस्क पूछना, किसी से एडवाइस लेना, अलाउ करना, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, एनकरेज, कंपेल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच एसेट्रा, दीज आर द वर्ड्स। व्हेन दीज आर द वर्ड्स हियर, तो वो कैसे फॉलो किए जाएंगे, जब भी ऐसे वर्ब आए तो वो एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएंगे, उसके आगे, ठीक है, उनके आगे एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे टू लगेगा और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब लाइक मान लीजिए यहाँ पे परमिटेड यूज, परमिट यूज किया गया, तो ये परमिट जो है वो सेकेंड फॉर्म आपका एक तरीके से बन जाएगा आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है। She was permitted to go. अब हम इसको past tense में बना देंगे, permitted to go, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, तो ये आपका यहाँ पर object हो गया, to बन गया and go. उसी तरीके से she was asked to go with him. She was advised to go with him. She was commanded to go with him. So likewise ये आपका इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे participles और infinitives में इस तरीके से चलेगा. Then next है आपका rule 12. यहां पर क्या हो रहा है, नो इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनिटिव। अब याद रखो नो जो है, ठीक है, नो की बात हो रही है, कई बार इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनकर आते, इवन क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो नो जो है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और इन्फिनिटिव इन सभी के साथ फॉलो होता है, आगे लगता है। सो जैसे आप देख सकते हैं आई नो, ठीक है, आई नो
हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. देखो नो लगा, उसके बाद क्या लग गया आपका, डब्ल्यू एच ओ फैमिली का हाउ प्लस इन्फिनेटिव, दैट मीन्स की टू. ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, तो नो है देन हाउ टू. आई नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, अगर ऐसे लिखा होता आई नो टू हाउ राइट एन एप्लीकेशन तो वो गलत हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर लेट, बिड, बी होल्ड, वॉच, सी, फील, मेक एसेट्रा. ठीक है, इन सभी के सभी वर्ड्स के साथ के बाद वी यूज बेयर इन्फिनेटिव एंड नॉट टू इन्फिनेटिव. अब आप सोचोगे यहाँ पे हर्ड आ गया, हर्ड भी इनमें से एक है. ठीक है, जैसे लेट, बेड, बी होल्ड, वॉच, सी, फील, मेक है, वैसे हर्ड है. सो आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट. बेयर इन्फिनेटिव का मतलब जहां पर हमको टू यूज नहीं करना होता. ठीक है, टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना, दैट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव. ठीक है, सो आई हर्ड हिम स्पीक ऑन, कभी कभी हम ऐसे लिख देते ना, आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो टू नहीं लगेगा जब हर्ड, फील, मेक, वॉच. ठीक है, तो इन दैट केस हम बेयर इन्फिनेटिव, दैट मीन्स की टू को हटा देते हैं. सो आई हर्ड हिम स्पीक, मतलब मैंने उसको बोलते हुए सुना, किस पे, ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स है ना, तो सब्जेक्ट्स पे पर बोलेंगे, ऑन शुड बी देयर, ये प्रीपोजिशन का एक केस याद रखिएगा. ठीक है, सेवरल सब्जेक्ट्स. अब सेवरल एक तरीके का प्लूरल एडजेक्टिव है, ये याद रखिएगा, मैं आपको अलग से बता रही हूँ. सेवरल एक तरीके का प्लूरल एडजेक्टिव है. व्हेनेवर हम सेवरल, कई, सेवरल मतलब कई सारे, तो उसके आगे लगने वाला जो नाउन होगा ना वो हमेशा प्लूरल होगा. यू कैन सी सब्जेक्ट, सेवरल सब्जेक्ट्स. अगर यहाँ पे सेवरल सब्जेक्ट लिखा होता तो ये रॉन्ग हो सकता था. नेक्स्ट, बेयर इन्फिनेटिव यूज आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज. यू कैन सी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये सभी के सभी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं. अब आपके सामने यहाँ पर मैंने इनकरेक्ट सेंटेंस भी रखा है और करेक्ट भी रखा है, कि क्या गलतियां हम करते हैं वो भी हमें दिखे और उनको कैसे सुधारना है वो भी हमें दिखे, तो हम आराम से याद कर सकते हैं. जनरली अब देखो सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा है, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड. बोल देते हैं कभी कभी हम ऐसा, चलो बोल दिया चलेगा, बट जब हम एग्जाम में हैं तो वहां पर तो ये गलतियां नेगेटिव मार्किंग में चली जाएंगी, है ना. तो यू नीड, अब नीड नॉट आ गया, ये नीड नॉट आ गया. ठीक है, तो नीड नॉट है तो उसके आगे टू कभी भी नहीं लगेगा. यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड नहीं होगा, यू नीड नॉट वर्क हार्ड. ठीक है, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन टू वर्क हार्ड नहीं होगा. ठीक है, यू कुड वर्क हार्ड, यू मे वर्क हार्ड, यू माइट, ठीक है, यू मस्ट, यू डेयर नॉट वर्क हार्ड, बट नॉट टू का यूज हम नहीं करेंगे, याद रखिएगा. रूल 15 है, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड एज सून एज, ठीक है, हैड सूनर, तो ये सारे के सारे भी बेयर इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो किए जाते हैं. अब यहां पर भी वो टू वाली गड़बड़ आ गई, ही हैड बेटर टू गो नाउ, अगेन टू आ गया, है ना, टू मतलब बेयर इन्फिनेटिव, मतलब एक तरीके से टू इन्फिनेटिव होना, बट बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू का ना होना. तो ही हैड बेटर गो नाउ, मतलब उसे अभी जाना सही होगा. ठीक है, तो इन दैट केस जब भी had better, had rather, had as soon as या had sooner आए, so in that case not नहीं use करेंगे, मतलब bare infinitive. So the correct sentence should be he had better to go now, he had better go now. ठीक है, to use नहीं करेंगे. Okay, he had rather go now, he had as soon as go now, but to का use नहीं करेंगे. Then उसके बाद rule 16 कहता है कि कंजंक्शन देन इज कंजंक्शन देन. ठीक है, यहां पर हम बात किसकी करें, देन कंजंक्शन की, इज ऑल्सो फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव. मतलब देन अगर हो तो वहां पर भी टू को अवॉइड करें, मतलब बेयर इन्फिनेटिव आप समझ जाएं कि टू का ना होना, जहां पर भी टू है उसको कैंसिल आउट करना, दैट्स इट. ठीक है,
तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में ही हैड बेटर रीड देन राइट, ना कि ही हैड बेटर रीड देन टू राइट, ठीक है। तो यहां पर एक तो आपका हैड बेटर भी आ रहा है ना, हैड बेटर भी आ रहा है, और जब देन का यूज हो रहा है तो बेसिकली हमको टू का यूज करना ही नहीं। नेक्स्ट है व्हेन बट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बट, ओके, उसको हम प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहे हैं, और प्रीसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, डू के किसी फॉर्म को आपने बट के आगे लगा हुआ देखा है, ठीक है, देन बट इज फॉलोड विद बेयर इन्फिनेटिव। याद रखिए, जब कहीं बट लिखा हो और बट से कहीं पे भी पहले डू का कोई फॉर्म लिखा हो, डू डिड इस तरीके से, ठीक है, सो इन दैट केस हम बट के आगे टू का यूज नहीं करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव तो ये कहते हैं टू को निकालो। सो ही डिड नथिंग बट टू वॉन्डर। सो बट यहां पर है, डू का एक फॉर्म यहां पर है, डू डिड, ठीक है, डिड है यहां पर। सो हमेशा याद है कि डिड, डिड मतलब किया, ठीक है, बट टू को आपको यहां पर टू को यूज नहीं किया। जब भी बट हो तो वहां पर टू का यूज नहीं करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ही डिड नथिंग बट वॉन्डर। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। हर एक पार्टिसिपल के पास सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो, जितने भी पार्टिसिपल होते हैं उनके पास सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना ही चाहिए। तो ये पॉइंट अब समझने में कैसा लग रहा है, बट वेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एंड वेन वी आर गोइंग टू सी इन द सेंटेंस, आपको आराम से याद रखिए। जैसे ये देखो, बहुत फेमस सेंटेंस है, बींग अ रेनी डे केशव डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ओके, मतलब क्योंकि रेनी डे था केशव ने सोचा कि घर पे ही रहना चाहिए। बट बींग क्या है, बींग के आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, है ना, और जब तक सब्जेक्ट नहीं है कोई भी वर्ब प्रेजेंट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट के बिना वर्ब प्रेजेंस नहीं हो सकता किसी भी सेंटेंस में, बट कोई सब्जेक्ट है और वर्ब नहीं है तो चलेगा, याद रखिए, ठीक है। सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले करता है, ओके, तो बींग अकेला नहीं होगा, इट बींग होना चाहिए, इट बींग अ रेनी डे, ठीक है, एक ही दिन है तो अ लगाया हमने, अ रेनी डे, रेनी इज द एडजेक्टिव एंड डे इज नाउन। केशव ने डिसाइड किया वर्ब की थर्ड फॉर्म टू स्टे। अब देखो, जब भी टू लगे तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एट होम, कहीं रह रहे हैं, सो एट शुड बी देयर। क्लियर। नाउ रूल 19, फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। कोई भी एक्शन अगर कंप्लीट कर चुके हैं तब एक्टिव वॉइस के केस में, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वेयर इज, या फिर हैविंग के साथ बिन लगा लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर बींग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट वर्ब की थर्ड ही फॉर्म होनी चाहिए, काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखो, ये दोनों जो केसेस हैं वो कहाँ है, पैसिव वॉइस के लिए। जब पैसिव हो तो वहां पे बिन लगेगा, ठीक है। एक्टिव मतलब हमेशा एक्टिवेटेड है, जब चीजें एक्टिवेटेड है तो उसमें बिन विन लगाने की जरूरत नहीं है, बट कोई चीज पैसिव है मतलब इनएक्टिव है, देन इन दैट केस उसको एक्टिव बनाने के लिए बिन भी बना देंगे, ठीक है, या फिर हैविंग और बिन का मिक्सअप, बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट इन ऑल दीज थ्री केसेस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, क्योंकि हमने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। एक और बात, आफ्टर शुड नॉट बी यूज इन सच इन सच अ सेंटेंस। और ऐसे जब सेंटेंसेस हो जहां पर काम हो चुका है, विच इज कंप्लीटेड, सो इन दैट केस आफ्टर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ जरा, आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, ठीक है, लीडर मर चुका है, ठीक है, द फॉलोअर्स रन अवे। जब ऑब्वियसली बात है, आफ्टर अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये भी बता रहा टास्क कंप्लीट हो गया, ये भी बता रहा टास्क कंप्लीट हो रहा, और ये भी बता रहा टास्क कंप्लीट हो गया, तो आफ्टर यहाँ पर लगकर सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है, मतलब वो भी ये कह रहा है कि टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो लीडर है वो ऑलरेडी मर चुका है, जो कि हैविंग बीन
किल्ड भी यही बता रहे कि लीडर मर चुका है. आफ्टर लगाकर हम सेंटेंस को लेंदी क्यों बनाए. सो दैट केस आफ्टर को रिमूव करना चाहिए. द फॉरवर्ड्स रन अवे, जब लीडर मर गया तो फॉरवर्ड्स वहां से भाग निकले. सो कैसे होना चाहिए सेंटेंस, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, आफ्टर हटाएंगे द फॉलोअर्स रैन अवे. क्लियर है, सिंपल सा ये याद रखना आपको. अब पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स का ये लास्ट रूल है. पार्टिसिपल्स लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग एंड ब्रॉडली स्पीकिंग, ये सारे के सारे पार्टिसिपल्स हैं. Do not take any subject of reference. जब भी हम considering, judging, मतलब किसी चीज को मान कर चल रहे हैं या फिर किसी चीज को judgment बना कर चल रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच कर चल रहे हैं या किसी चीज को refer कर रहे हैं, हाँ, so in that case, इन सभी participles के साथ आप subject of reference नहीं लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते considering, ऐसे ही लग रहा है कि कोई राजा आ रहा है ना, और राजा जब आ ही रहा है तो उसको किसी सब्जेक्ट की जरूरत चाहिए क्या, नहीं. सो याद रखिए, अब देखो सेंटेंस में कंसीडरिंग द केस, मतलब केस को मद्देनजर रखते हुए आई टुक द डिसीजन. ठीक है, रिगार्डिंग द कोर्स आई हैव सम डाउट, सो हम ऐसा कहते हैं. व्यूइंग द सीन आई हैव सम मेमोरीज, कहते हैं ऐसा. तो इसी तरीके से जब कोई चीज बहुत ही फील से कह रहे हो आप, और कोई चीज आप किसी बात को मद्देनजर रखते हुए कह रहे हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, सो इन दैट केस आपको सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है. और ये जो वर्ड्स है लाइक कंसीडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, दीज आर द पार्टिसिपल्स, वो एक तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहे हैं. अब यहाँ पर आए आप देख रहे होगे, सो हियर आई इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस. कई बार लोग सोचते कि नहीं यहां पर इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यूज किया है, नहीं, ये पूरा का पूरा फ्रेज तो कंप्लीट हो गया, इस फ्रेज का कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है. हाँ, और इस वाले फ्रेज का सब्जेक्ट कौन है, आई है, बट इसका कंसिडरिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है. सो देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर कंसिडरिंग, और तब भी सेंटेंस करेक्ट है. कई बार हम इसको रॉन्ग कह देते हैं, ऐसा नहीं है. अब नेक्स्ट आपका वर्ब यूजेज स्टार्ट होता है. ठीक है, वर्ब यूजेज में कैसे होगा, व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर. ठीक है, दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, लेकिन एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनका काउंट सेम नहीं, मतलब एक सिंगुलर एक प्लूरल भी हो सकता है, देन वी मस्ट हैव टू यूज सेपरेट ऑक्सिलरीज फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो उन दोनों के लिए हमें अलग अलग ऑक्सिलरीज यूज करना पड़ेगा. ऑक्सिलरीज इन द सेंस इज आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज. कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे. सो थ्री किल्ड एंड वन वर इंजर्ड, है ना. अब देख सकते हैं थ्री किल्ड के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, उसके लिए कोई वर्ब ही यूज नहीं हुआ है, बट यस वन है तो वन के लिए वर यूज कर दिया. कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं तीन ये हो गए और एक ये हो गया चार, इसके लिए वर ये साथ एक साथ लगा दिया. भाई ये कोई मतलब प्याज और आलू तो नहीं खरीदने आए हो कि एक साथ इकट्ठा करके लमसम पैसा दे दिया, वो वाला बात तो नहीं है. ये ग्रामर है और यहाँ पर सेंटेंस एक फॉर्मेट लेके चलता है. सो इसीलिए जो तीन मारे गए उसके लिए हम कहेंगे थ्री वर किल्ड. ठीक है, क्योंकि ये अब प्लूरल में है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लगेगा, एंड वन वॉज इंजर्ड, वन के लिए इंजर्ड लग जाएगा, वन के लिए वॉज लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट, अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट. एक सिंगल वर्ब को बनाना है, ठीक है, दो सब्जेक्ट को लगाने के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल वर्ब ही हमको यूज करना है, जो कि पिछली बारी हम नहीं कर पा रहे थे तो यहां पर हम करेंगे. कैसे हो सकता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है. सो ओनली व्हेन, ये तभी हो सकता है, द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स, जब दोनों ही सब्जेक्ट के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब सेम हो, मतलब कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं एक जैसे हो, सेम फॉर्म में हो. ठीक है, डिफरेंट ना उनका काउंट. तो यू कैन सी हियर, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 14. अब यहां पर मैं अपनी बात कर रही हूं और अपने सिस्टर की बात कर रही हूं. ठीक है, और दोनों की किसके बारे में बात हो रही है, एज की ही बात हो रही है, और एज तो भाई काउंट में होता है. सो इन दैट केस आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14. तो यहाँ पे एज लगेगा, ऐसे नहीं कहेंगे एंड माई सिस्टर 14, माई सिस्टर इज 14, और इज इसलिए लगेगा क्योंकि हम यहाँ पर दोनों के एज की बात कर रहे हैं, ना कि दोनों का काउंट बता रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द एज, सो यहाँ पर इज लगेगा.
टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज विद वन पार्टिसिपल वर्ब, ठीक है, वन प्रिंसिपल वर्ब. जो प्रिंसिपल वर्ब है एक, उसके साथ दो ऑक्सिलरीज को हम यूज कर सकते हैं तभी जब जो फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब है वो अप्रोप्रिएट है दोनों ही ऑक्सिलरीज के लिए. मतलब दोनों ऑक्सिलरीज के साथ वो जो प्रिंसिपल वर्ब है वो कोप कर सके, एक साथ रह सके, उसके कंडीशंस को फॉलो कर सके. एज यू कैन सी इन एग्जांपल, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स. तो ये करेक्ट क्या होगा? ही नेवर has taken and never will take such strong measures. तो आप देख सकते हैं has जो है is taken के लिए भी लग गया, never will take के लिए भी लग गया, ठीक है, दोनों ही auxiliaries के लिए लग गया, है ना, दोनों ही auxiliaries बस वहां पर उस particular जो प्रिंसिपल वर्ब है उसके अकॉर्डिंगली चले. तो यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया हैज, जो कि टेकन और नेवर विल टेक दोनों के साथ कोप कर रहा है. नेक्स्ट, व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी टू टू प्रिंसिपल वर्ब्स, दो प्रिंसिपल वर्ब्स, वहां पर केवल एक प्रिंसिपल वर्ब था, दैट वॉज हैज. बट यहाँ पर अगर आपके पास दो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं और उनके लिए केवल एक ही ऑक्सिलरी है तो इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विद बोथ. तो दोनों के साथ उस पर्टिकुलर ऑक्सिलरी का कनेक्शन जो एसोसिएशन है वो परफेक्ट होना चाहिए. एज यू कैन सी एन एग्जांपल, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड वन फेल्ड, मतलब 10 पास हो गए एंड वन फेल हो गया. यही सेंटेंस कह रहा है, बट समझ में तो आ गया ग्रामर क्या कहता है. सो 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, बिल्कुल सही, क्योंकि 10 कैंडिडेट्स है, ये प्लूरल बन गया, ये सब्जेक्ट जो आपका प्लूरल है सो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल रहेगा. और हैव के साथ, और हैज हो या हैव हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. वन हैज फेल्ड, वन फेल्ड नहीं कहेंगे, और एक जो था ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और हैज है तो हैज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हमें दोनों को अलग अलग बताना होगा. नाउ अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज should be followed by a past tense in the subordinate clause. बहुत important है ये. जो past tense होता है, देखो एक sentence बहुत सारे clause से मिलके बनता है. Clause you can say phrases, जैसे मैंने बताया, जैसे like मान लीजिए he succeeded, ये एक phrase हो गया, एक clause हो गया, because he worked hard, ये दूसरा clause हो गया. हमेशा जो past वाला होता है, past tense वाला जो clause होता है main clause में, अगर मेन क्लॉज आपका पास्ट टेंस वाला है तो उसके आगे लगने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी कैसा होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए, पास्ट के साथ पास्ट. ओके, सो ही सक्सीडेड, मतलब ये यहां पर ही पास्ट में चल रहा है, सक्सीडेड दिखा रहा है, बिकॉज ही वर्क्स हार्ड. अब देखो वर्क्स जो है वो क्या पास्ट में है? नहीं. So we have to make it as a past one. So he had succeeded because he worked hard. वो success हुआ था क्योंकि उसने मेहनत किया था, ठीक है, तो दोनों ही past में चलेंगे, तो वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है. Then a past tense in main clause. Again main clause में अगर past tense है, you can see our teacher said, मतलब कह चुके हैं, कहते थे, ठीक है, may be followed by a present tense इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब हो सकता है वो प्रेजेंट टेंस का भी क्लॉज लेकर चल सकता है, बट कंडीशन क्या है? व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम प्रेजेंट टेंस बनाना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ. जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बदला नहीं जा सकता कभी, ठीक है, सभी के लिए समान है, सभी के लिए यूनिवर्सल है, तब ही हो सकता है. ठीक है, पास्ट के आगे आने वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट तभी होगा जब वो यूनिवर्सल ट्रुथ लेकर चलेगा. एज यू कैन सी इन एग्जांपल, आवर टीचर सेड दैट, ठीक है, ये हो गया पास्ट वाला. द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, अब हमने क्योंकि डर से बना दिया कि नहीं नहीं भाई हमें इसको यहां पर भी पास्ट बनाना पड़ेगा, बट बैठ नहीं रहा है क्योंकि पहले सिर्फ नहीं मूव करता था सन, मतलब अर्थ के इर्द गिर्द, जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द पहले नहीं घूमता था, आज भी घूम रहा है, ऐसा टीचर कहते थे, वो टीचर पहले कह चुके थे, बट ऐसा होता रहेगा हमेशा.
तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. सो द अर्थ मूव्स नॉट मूव्ड, मतलब हमेशा घूमता है एक तरीके से, ठीक है. तो ये सही करेक्शन होगा. देन व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लेस्ट, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब ये दो क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेट वाला है और ये जो सबऑर्डिनेट वाला है वो लेस्ट के बाद आता है, है ना. यू कैन सी हियर, ये रहा लेस्ट और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. सो द ऑक्सिलरी वर्ब शुड मस्ट बी यूज्ड, तो उसके लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ आने वाला जो भी अगला सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वहां पर हम शुड का यूज करेंगे. याद रखिएगा, लेस्ट शुड, लेस्ट शुड, ये पेयरिंग चलता है, ठीक है. Whatever be the tense of the verb in the main clause, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि starting का जो clause था, main clause, वहां पर कौन सा tense चल रहा है verb का. Can see here, we start early, ठीक है, lest we shall miss the train, मतलब हम जल्दी निकले lest फिर भी we should miss the train, ठीक है. तो यहाँ पे shall नहीं होगा, we should होगा, याद रखिएगा. ये हो गया आपका main clause, वहां पे कुछ भी हो नहीं फर्क पड़ता. ये हो गया आपका लेस्ट, लेस्ट के बाद आ रहा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो वहां पर शुड ही होगा और कोई नहीं होगा, लेस्ट एंड शुड, याद रखिएगा. देन एन एडवर्ब और एडवर्बियल फेज फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनेटिव, और इसी को हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं. मतलब कोई भी एडवर्ब हो या ऐसा कोई फ्रेज जिसमें एडवर्ब का यूज किया गया है तो उसको हम कभी भी टू के बीचों बीच में नहीं रखेंगे. यू कैन सी, आई होप्ड टू इमिडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर, ठीक है. यहां पर ऐसा होगा, आई होप्ड टू रिप्लाई, ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है. यहां पर ये जो टू है वो मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है. आई होप्ड टू रिप्लाई इमिडिएटली, ठीक है, रिप्लाई इमिडिएटली होता है ना कि इमिडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर. सो हम यहां पर टू के इन बिटवीन में आई होप्ड हो गया एक, ये एक एडवर्बियल हो गया, इमिडिएटली रिप्लाई हो गया एडवर्बियल, ठीक है. सो यहां पर क्या होगा, आई होप्ड टू रिप्लाई इमिडिएटली, ठीक है, इस तरीके से लेके चलेंगे. नेक्स्ट, एन इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस, इन्फिनेटिव को हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है. इन्फिनेटिव प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए जब तक कि इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब, जब तक कि वो जो भी मतलब वर्ब को लेके चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस नहीं ले लेता. यू कैन सी, आई शुड हैव लाइक्ड टू हैव गॉन देयर, करेक्ट क्या होगा, आई शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर, टू हैव गॉन देयर की जरूरत ही नहीं है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्फिनेटिव है, ठीक है, मतलब कि टू है, टू की बात यहाँ पे हो रही है, वो यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है. अब हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना, हैव है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. हैव टू गो देयर, सिंपल हैव टू गॉन देयर, ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन कर रहा है गवर्निंग वर्ब के साथ, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है. देन जीरंड इफ प्रोसीडेड बाय अ प्रोनाउन, जीरंड मतलब ing verb, like going है, ठीक है. यहाँ पे इस sentence में ये gerund हो गया, okay? preceded by, okay? तो preceded मतलब उसके आगे कोई एक pronoun लग रहा है, एक pronoun लग गया. so वो pronoun must be in the possessive case, तो वो pronoun possessive case में होना चाहिए. so he emphasized me going there, अब ये आपका यहाँ पे pronoun है और ये आपका gerund है, तो gerund जो है वो के आगे लगने वाला जो भी, ठीक है, जीरंड के आगे लगने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो पजेसिव होना चाहिए, ठीक है. मतलब जीरंड, जीरंड को एक तरीके से आप गुआवा याद रख लो, ठीक है, गुआवा याद रख लो. अब गुआवा जो है वो मेरा है, पजेसिव, पजेसिवनेस कि नहीं ये मेरा ही होना चाहिए, तो जीरंड के आगे पजेसिव केस लगेगा. अगर मी लिखा तो उसको माय बनाएंगे, ओके. नाउ The present perfect continuous tense is used for an action that began in the past time and still going at the time of speaking. जो present perfect continuous tense होता है, ठीक है, उसको हम ऐसे action के लिए use करेंगे जो कि past time में ही start हो चुका है,
ठीक है, पहले ही स्टार्ट हो चुका है. वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यूएशन फॉर मेकिंग इट परफेक्ट, ऐसे याद रख सकते हैं. ठीक है, एंड स्टिल गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और अभी जब बात भी कर रहे हैं इन दैट टाइम भी वो काम चल रहा है. ठीक है, सो इट इज यूज्ड विद एडवर्बियल ऑफ टाइम. ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, तो इस टाइप के सेंटेंस में, क्योंकि वो तो चलता आ रहा है, पहले चल रहा था और अभी भी चल रहा है. सो फॉर दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी आर यूजिंग सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग. सो यू कैन सी द सेंटेंस, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, मतलब ऑफिस में काम करने की बात हो रही है. लाइक मान लो जिस ईयर में ये बात हो रही है वो 2019 है, ओके 18 है, और वो जो काम है वो कर रहा है 2015 से, पास्ट है, अभी भी कर रहा है जब वो बात कर रहा है ना, तो दैट मीन्स कि ये काम अभी भी चलता आ रहा है, पास्ट में स्टार्ट हो गया, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग हाउ लॉन्ग. ठीक है, बट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हाउ, यहाँ पे लिखा हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी हाउ लॉन्ग हैव यू बिन, क्योंकि काम पहले स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और चलता रहा है. हैव यू बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस, हैव यू बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस, मतलब आप इस पे काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, सो हैव यू बिन, नॉट आई यू. नेक्स्ट, अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी द जीरंड, जो वर्ब है ठीक है उसके आगे कोई प्रेपोजिशन लग रहा है तो वो वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा, जीरंड बनाना पड़ेगा, बट केवल टू को छोड़ के, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और बाकी जितने भी प्रेपोजिशंस होते हैं उसके आगे कोई कोई वर्ब लग रहा है तो हम उसको जीरंड बनाएंगे, दैट मीन्स आईएनजी फॉर्म. सो दे वर पनिश्ड फॉर कम लेट. अब देखो फॉर क्या है, यहां पर फॉर आपका एक प्रेपोजिशन है, एंड अभी हमने पढ़ा दे वर पनिश्ड फॉर, फॉर लगा है, फॉर के आगे आने वाला जो भी वर्ब होगा, वर्ब है आपका कम है, तो वी विल मेक इट कमिंग. ठीक है, देन द फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज इन द क्लॉजेस ऑफ टाइम प्लेस कंडीशन. टाइम प्लेस कंडीशन की अगर बात हो रही किसी क्लॉज में, सो वहां पर हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, सो इन दैट केस, क्योंकि फ्यूचर मतलब आने वाली की बात हो रही है ना, सो आने वाली बात की बात करें तो वहां पर टाइम प्लेस और कंडीशन हमें पता होता है क्या आने वाले के बारे में, नहीं पता होता है. कब का पता होता है, प्रेजेंट का. सो हियर द प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस विल बी यूज. ठीक है, सो वो यूज करेंगे. सो आई शैल वेट फॉर यू टिल, मैं आपके लिए तब तक वेट करूंगी, यू विल फिनिश योर वर्क. विल लग गया मतलब ये गलत है. ठीक है, विल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर टाइम प्लेस एक तरीके से कंडीशन की बात कर रहे हैं. सो क्या होगा, हम इसको प्रेजेंट बनाएंगे, तो आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क. सिंपल, हम इसको प्रेजेंट में बना देंगे. नेक्स्ट है यहाँ पर रूल 34, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज विद द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम. पास्ट टाइम के एडवर्ब्स के साथ, जैसे कि यस्टरडे हो गया, 1990s की बात हो रही है, ठीक है, तो ये सारी बातें कब की है, पास्ट की है ना, जब पास्ट की बात हो रही है सो इन दैट केस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे. ओके, सो क्या यूज होगा यहाँ पे, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज होगा. कैसे होगा, देखो आई हैव बॉट अ साइकिल यस्टरडे, कल खरीदी थी, बीते हुए कल की बात हो रही है ना. सो यहां पर हम इसको प्रेजेंट तो नहीं बनाएंगे, हम इसको सिंपल पास्ट इनडेफिनिट बनाएंगे, तो हैव हटा के आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे, सिंपल. नाउ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये हो, पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि लगातार दो चीजें, दो एक्शंस पास्ट की ली गई हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस. सो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट. ठीक है, जब स्टेशन में पहुंची तो ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी. एंड व्हेन आई रीच द स्टेशन, अब देखो व्हेन आई रीच द स्टेशन मतलब कि ये एक तो स्टेशन में पहुंच चुके हैं, रीच्ड पहले ही पहुंच चुके हैं, ये पहला एक्शन हुआ, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, और ट्रेन जो है वो भी निकल चुकी है, दोनों चीजें हो चुकी हैं. तो यहां पर हम यूज क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर तो पास्ट है बट यहाँ पर प्रेजेंट यूज हो रहा है, वो तो नहीं करना ना, तो क्या करना होगा, दोनों को पास्ट बनाना होगा. सो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड लगाएंगे और इसको पास्ट बनाएंगे. ठीक है, देन मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज्ड टुगेदर. ठीक है, जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनको हम कभी भी साथ में यूज नहीं करते, लेकिन अगर टू ऑक्सिलरीज है तो हम उनको यूज कर सकते हैं कंजंक्शन को कनेक्ट करके. ठीक है, कैसे होगा, देखो ही शुड मस्ट डू इट, अब शुड भी हो गया मस्ट भी हो गया, दो दो चीजें हो गई, कैसे यूज करेंगे, तो हम यहां पर एंड लगा देंगे, कंजंक्शन का यूज कर लेंगे, ही शुड एंड मस्ट डू इट. ठीक है, तो यहां पर आपके टोटल 35 रूल्स कंप्लीट होते हैं. आगे के वीडियो में हम और फर्दर रूल्स को भी कंप्लीट करेंगे और कई सारे SRPs भी आपका वेट कर रही हैं और एक मास्टर SRP भी आप लोगों के लिए क्रिएट किया है ताकि आप चुटकियों में विद इन 2 मिनट्स आप इन सभी रूल्स को विद एग्जांपल्स भी याद कर सको. तो आगे की वीडियो को देखिएगा. चलिए तो यहां पर हम सेशन को ओवर करते हैं. थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.